हेलो फ्रेंड्स, एमएक्स कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी स्कूल का अगर आइडेंटिटी कार्ड बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, वो भी एमएस वर्ड के अंदर। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को स्टार्ट करना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें आइडेंटिटी कार्ड का साइज लेना होता है। तो सिंपल हम जाएंगे पेज लेआउट पे, और पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे मार्जिंग सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ से मार्जिंग में जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे एक हमारा विंडो खुल के आएगा, और यहाँ से क्या करेंगे मार्जिंग सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे टॉप पे जीरो कर देंगे, और बटन पे जीरो कर देंगे, और लेफ्ट पे जीरो और राइट पे जीरो, और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों हमें साइज लेना होता है। तो हम जाएंगे साइज में, और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे मोर पे साइज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जाकर हम आइडेंटिटी कार्ड का साइज ले लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 4.3.4 और 2.2 ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो देखेंगे हमारे पास कुछ एक आइडेंटिटी कार्ड का साइज यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे बनाना सीखते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे सेव फील्ड पे, और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ इससे करके हम एक रेक्टेंगल ले लिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका साइज चूज करेंगे। तो हम यहाँ से डार्क ले लेते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, इसका आउटलाइन नो कर देते हैं। उसके बाद से दोस्तों क्या करते हैं, एक और हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से एक और रेक्टेंगल ले लेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, इसका कलर कुछ अलग कर देते हैं, और यहाँ से इसका कलर रेड कर देते हैं, और इसका आउटलाइन नो फिल कर देते हैं। देखिए दोस्तों, और उसके बाद से हम जाएंगे यहाँ पे एडिट शेप पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, और इसको कॉर्नर को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा ऐसे कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों हमें करना क्या है, सिंपल एक हमें यहाँ पे लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं हम इंसर्ट में, और यहाँ से जाते हैं, और यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे यहाँ पे एक शेप ले लिए, ऐसे एक लोगो लगाने के लिए एक शेप ले लिए, और उसके बाद से हमें नाम लिखना होता है। तो हम जाते हैं इंसर्ट में और शेप में जाएंगे, और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, और उसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्कूल का नाम, स्कूल का नाम लिख लेते हैं हम दिल्ली, और इसको क्या करते हैं, इससे थोड़ा इसका टेक्स्ट का डिज़ाइन बदल देते हैं होम में जाकर, और यहाँ से इसका क्या करते हैं, टेक्स्ट का थोड़ा डिज़ाइन बदल देते हैं, और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और दोस्तों इसका कलर थोड़ा कर देते हैं हम वाइट, और जो शेप का कलर है उसको हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट में, और यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से नो कर देंगे। देखिए दोस्तों, और इसका आउटलाइन भी हम यहाँ से नो कर देंगे। देखिए दोस्तों, इतना काम हमारा यहाँ पे हो गया है। दोस्तों देखेंगे दोस्तों, इतना काम हमारा हो गया है, और यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा इसका साइज और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गए और यहाँ से थोड़ा इसे ऐसे कर देते हैं। उसके बाद से दोस्तों इसको हम कंट्रोल के साथ ऐसे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एक डुप्लीकेट बन जाएगा। यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे गोपालगंज कर दिया, और इसका साइज़ क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे छोटा कर देंगे। दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर हम इसका एड्रेस भी लिख दिए, और इसको हम कंट्रोल के साथ इसे ड्रैग करेंगे और इसे एक डुप्लीकेट ले लेंगे। दोस्तों हम डुप्लीकेट लेने के लिए कंट्रोल के साथ जैसे ही ड्रैग करेंगे ना, तो हमारे पास डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं, जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं, और इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा यहाँ पर ला देते हैं, और इसका साइज थोड़ा कर देते हैं छोटा रख देंगे, और इसका थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ से जाकर इसे बड़ा कर देते हैं। दोस्तों देखेंगे, हमारा इतना काम हो गया है। उसके बाद से दोस्तों हमें एक नंबर लिखना होता है, मोबाइल नंबर लिखना होता है। तो जाएंगे हम इंसर्ट में, और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक शेप ले लेते हैं, और इसका कलर हम कर देते हैं थोड़ा डार्क, और इसका आउटलाइन कर देते हैं नो, और इसके अंडर लिखने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट टू टेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम कुछ नंबर लिख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा छोटा कर देंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे छोटा कर देंगे, देखेंगे हमारा यहाँ पे नाम लिखकर आ गया है। दोस्तों अब इस समय रेक्टेंगल के अंदर हमें एक पिक्चर लगाना है, मतलब लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए इस पर राइट क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे, और फॉर्मेट जाने के बाद सेव फील्ड में जाएंगे, और यहाँ से हम जाएंगे पिक्चर में। और पिक्चर में जाने के बाद दोस्तों, जब हमारे पास एक विंडो ओपन होगा तो देखेंगे हमारे पास एक विंडो ओपन हो गया, और यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे जाए क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखेंगे दोस्तों हमारा लोकेशन पूछ रहा है कि आप कहाँ से इस लोगो को लगा सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों हमारा लोगो यहाँ पे, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। जब इंसर्ट करेंगे तो देखेंगे हमारा लोगो यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, हम थोड़ा इसे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको इसे छोटा कर लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों हमें क्या लिखना है, आइडेंटिटी कार्ड। तो हम सिंपल यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे एक सेप फिल लेंगे, और यहाँ से एक सेप ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे यहाँ पे एक सेप लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम ये वाला सेप लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जाएंगे और राउंडेड वाला सेप लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सेप लेंगे और यहाँ पे जाएंगे और ऐसे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और उसको ऐसे यहाँ से ड्रैग करेंगे, और इसके अंदर लिख देते हैं आइडेंटिटी कार्ड, और इसका आउटलाइन यहाँ से सेफ फील कलर हटा देते हैं, और इसका आउटलाइन भी यहाँ से हटा देते हैं, और इसको इस कलर, इस टेक्स्ट को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम इसको कर ले लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे, और बड़ा करने के बाद इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे छोटा करेंगे और इसके अंडर में लाएंगे, और दोस्तों इस शेप को हम, इस शेप का कलर हम कर देते हैं रेड। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे और फॉर्मेट में जाएंगे, और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से रेड कर देते हैं, और इसका आउटलाइन दोस्तों यहाँ से हम यहाँ से हटा देते हैं, और इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे छोटा कर देते हैं। उसके बाद से हम टेक्स्ट को ले आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट को रख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट को लाएंगे और यहाँ से थोड़ा टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इसको यहाँ पे लेकर मैनेज कर देंगे, और टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से वाइट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से वाइट कर देते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम यहाँ से जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से ऊपर थोड़ा करेंगे, और इसे भी थोड़ा ऊपर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, और इसको थोड़ा ऐसे ऊपर कर अपने अनुसार इसे मैनेज कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों हमें एक फ़ोटो लेना होता है, तो फ़ोटो के लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक फ़ोटो के लिए एक शेप बना लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और ऐसे बना लेंगे। उसके बाद से दोस्तों इसके अंदर हमें एक फ़ोटो लगाना होता है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे या हम इस पर क्लिक करेंगे और जाएंगे फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ फिल पे जाएंगे, और उसके बाद से यहाँ पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो हमको एक लोकेशन पूछेगा कि आप किस लोकेशन से लेना चाहते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, फ़ोटो को हम यहाँ से ले लेते हैं। जाएंगे यहाँ पे और सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा पिक्चर आ गया, और इसका आउटलाइन दोस्तों हम यहाँ पे कुछ अलग कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कर देते हैं। उसके बाद से दोस्तों इसका हमको नाम और डेट और पिता का नाम लिखना होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इसके अंडर में हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख दिए, और ऐसे थोड़ा स्पेस करेंगे और यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। देखिए दोस्तों, और इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और इसका थोड़ा साइज हम यहाँ से छोटा कर देंगे, यहाँ से छोटा कर देंगे, और इसको थोड़ा यहाँ से स्पेस दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम फादर्स नेम लिख, यहाँ से फादर्स नेम लिखेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे फादर्स नेम लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम फादर्स नेम लिख देंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, तो इसके लिए हम डी ओ और बी कर देते हैं। उसके बाद से यहाँ से थोड़ा स्पेस लेंगे, और यहाँ पे हम इसका डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, और उसके बाद से यहाँ से एंटर प्रेस मारेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे उसका क्लास लिख देंगे।
और इसका क्लास यहाँ पे एंटर स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे इसका क्लास लिख देंगे टेंथ, और उसके बाद से एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद से इसका एड्रेस लिख देंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका आउटलाइन यहाँ से जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से इसका कलर नो फिल कर देंगे और यहाँ से जाएंगे इसका आउटलाइन भी नो फिल कर देंगे। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया है। उसके बाद से दोस्तों हमें एक सिग्नेचर लिखना है, तो इसके लिए जाएंगे यहाँ पे और शेप में जाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और इसको ऐसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, देखिए दोस्तों। और उसके बाद हम इसका थोड़ा मोटाई बढ़ा देते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से थोड़ा इसे मोटा कर देंगे और इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक, देखिए दोस्तों यहाँ से हम ब्लैक कर देते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में और जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और यहाँ से हम सिग्नेचर लिख देते हैं, यहाँ पे जाएंगे और सिग्नेचर हम लिख दे यहाँ पे ले आकर और यहाँ पे जाएंगे और इसका टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ से हम आउटलाइन यहाँ से नो फिल कर देते हैं और सेफिल यहाँ से नो ही फिल कर देते हैं और यहाँ से आउटलाइन भी नो फिल कर देते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम यहाँ पे सिग्नेचर को ले आकर रख देंगे। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया है। दोस्तों उसके बाद से हमें एक यहाँ पे लोगो लगाना होता है वाटर मार्क की तरह, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से एक शेप लेंगे, यहाँ से ऐसे एक शेप लेते हैं और इस यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट शेप पे जाएंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे पिक्चर एंड टेक्सचर पे जाएंगे और उसके बाद से यहाँ पे हम फिल पे जाएंगे, फाइल पे, और उसके बाद से हम क्या करेंगे जाएंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे और यहाँ से हम लोगो ले लेते हैं और यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। दोस्तों देखेंगे हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया और यहाँ से हम जितना चाहें उतना यहाँ से डार्क और ट्रांसपेरेंस कर सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोगो को ट्रांसपेरेंस कर सकते हैं, देखिए, और यहाँ से हम लोगो को इतना ट्रांसपेरेंस कर देंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे और इसका क्या करेंगे यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से इसका आउटलाइन यहाँ से जाएंगे और यहाँ से इसका आउटलाइन नो फिल कर देंगे। तो दोस्तों देखेंगे हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों अगर ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, मिलते हैं आगे के वीडियो में।